उत्तराखंड के नैनीताल में विद्यालय में बने संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में सांप ने बच्ची को डसकर मौत के घाट उतार दिया। क्वारंटाइन सेंटरों में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में बेताल घाट के प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में एक सांप ने मासूम बालिका को डस लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नैनीताल जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र बेताल घाट स्थित तल्ली सेठी गाँव में आज सवेरे अपने परिवार के साथ क्वारंटाइन की गई मासूम बालिका को सांप ने डस लिया। आनन फानन में इस बच्ची को बेताल घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 के माध्यम से ले जाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में आनंद सिंह का परिवार रखा गया था। परिवार हाल ही में दिल्ली से इलाज कराकर लौटा था, जिसके बाद उन्हें 3 दिन पहले ही ग्राम प्रधान के आदेश के बाद विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था। आज सवेरे जब उनकी बेटी अंजलि आराम कर रही थी तो माँ ने उसके चेहरे पर 2 दाग देखे। यह दाग सांप के डसे जैसे होने के कारण परिजनों में हड़कंप मच गया। सांप ने बच्ची की आंख और कान के पास डस लिया था। सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने 108 सेवा को सूचना दी। पीड़ित बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ हादसा होने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए सभी लोग अपने अपने घरों को भाग गए हैं। बच्ची के क्वारंटाइन में होने के कारण पोस्टमार्टम में बहुत मुश्किल सामने आई। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चे की कोरोना हिस्ट्री देखने के बाद पोस्टमार्टम अथवा कोरोना जांच का निर्णय लिया जाएगा। मतलब वो करवाया, उन्होंने सब कर दिया, आगे नैनीताल को लड़की को लेंगे और वहाँ से ये थी, यहाँ की भी बोल दी, सब बोल दी है। व्यवस्था नहीं थी, हम नीचे थे, झाड़ी आड़ी सब हमने काटी, हमने रहने का जगह वहाँ अंजलि का चाचा हूँ। क्या है वहाँ पर व्यवस्था? वहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है व्यवस्था, ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, लाइटिंग बाथरूम की। क्या हुआ? पर जंगली जंगल है वहाँ। कितने बजे हुई, क्या कोई घटना? क्या 5 बजे की घटना है वहाँ से, कहीं से बाहर से सुबह के 5 बजे की वो है, वहाँ से कहीं से बाहर से सांप आके मेरी लड़की को डस गया। यहाँ पर हमने 108 बुला के उसे हॉस्पिटल भेजा तो वहाँ वो नहीं हो पाई ठीक।